हेलो दोस्तों, तो आज हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट पढ़ने जा रहे हैं, जो बेसिकली मैंने डिप्लोमा और बीटेक के बच्चों के लिए वीडियो बनाया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट एक तरीके का डिवाइस होता है जो कि किसी भी चीज़ के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। इंस्ट्रूमेंट एक डिवाइस होता है जो किसी भी चीज़ के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, जैसे करंट हो गया, वोल्टेज हो गया। करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का यूज़ किया जाता है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ किया जाता है, पावर को मेजर करने के लिए एनर्जी मीटर का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे कई तरीके के मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिनका यूज इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिक फील्ड में किया जाता है, और उसी को इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कई तरीके के होते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पहला होता है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट को एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, क्योंकि जो इसकी एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर मैं कहूँ कि अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज़ को मेजर करता हूँ, तो जो उसकी एक्यूरेसी होगी ना, तो वो ट्रू वैल्यू की बहुत ही नियर होगी। मैं आपको बताऊँगा ट्रू वैल्यू क्या होता है, ये आपके लिए भी नया होगा। कहने का मतलब है कि इस चीज़ से किसी चीज़ को मेजर करूँ ना, तो उसके अंदर एरर, यानी उसकी जो मैं मेजर करूँगा वो बिल्कुल एक्यूरेट करेगा, वो बिल्कुल ही एक्यूरेट करेगा। ठीक है, ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। लेकिन इसका यूज हम हर जगह नहीं कर सकते, अपने डेली लाइफ में इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इन चीज़ों में कई चीज़ों को फोकस करना होता है, कई चीज़ों को डेरिवेशन करने होते हैं, कई चीज़, मतलब ये डायरेक्टली वैल्यू को आपको नहीं देगा। जैसे आपको करंट मेजर करना, फॉर एग्जाम्पल आपने एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का यूज किया, तो ये आपको एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट करंट को मेजर नहीं करेगा, ये कई अलग अलग चीज़ों को मेजर करेगा। फिर आपको उसको डेरिवेशन करके उस वैल्यू को डिराइव करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा एक लेंथी प्रोसेस पड़ जाता है, इसलिए हम इसे डेली लाइफ में नहीं करते। लेकिन इसका यूज लैब में, रिसर्च के दौरान कई चीज़ में होता है, मतलब ज़्यादातर तो ये लैब में पाया जाता है, क्योंकि इनका यूज डेली लाइफ में है ही नहीं, तो क्यों यूज करेंगे कोई पर्सन। ठीक है, तो इसका यूज डेली लाइफ में नहीं होता, ये लैब के अंदर यूज होता है, क्योंकि इसके जो 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 आपको रिजल्टेंट दिखाएगा वो ना अदर फॉर्म में दिखाएगा। जैसे कि अगर आपको करंट को मेजर करना, तो फ्लक्स दिखाएगा, नंबर ऑफ कंडक्टर दिखाएगा, वो कई सारे अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट करता है। तो इसीलिए एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का यूज हम डेली लाइफ में नहीं करते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी को एब्सोल्यूट भी कहते हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे आपका करंट मीटर हो गया, जो करंट को मेजर करता है, एम मीटर कहते हैं उसे, वोल्ट मीटर हो गया, वाट मीटर हो गया, एनर्जी मीटर हो गया, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उन सबको सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब आप कहो कि डेली लाइफ में भाई हम तो यूज नहीं करते, तो ऐसा नहीं होता, आप यूज नहीं करते, लेकिन इंडस्ट्री में या डोमेस्टिक में डेली लाइफ में यूज होते हैं। आप उसे यूज नहीं कर रहे क्योंकि आप देख नहीं रहे हो, जब जिस दिन आप फोकस करने लगोगे आपके नियरेस्ट में भी एनर्जी मीटर हो गया, वो भी डेली लाइफ में यूज होता है, तो वो भी एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है। तो यही एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिख रखा है कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का जो एग्जाम्पल हो टंगस्टन गैल्वेनोमीटर है। देखिए मैंने क्या कहा कि ये लैब में यूज होता है, क्यों क्यों क्योंकि जो इसका जो रिजल्टेंस है ना, यानी जो आपको आउटपुट दिखाएगा वो आपको डायरेक्ट करंट नहीं दिखाएगा। कहने का मतलब आपको करंट मेजर करना है और आपने उसे लगा दिया सर्किट को, ठीक है, तो वो आपको डायरेक्ट करंट नहीं दिखाएगा, वो फ्लक्स दिखाएगा, फील्ड दिखाएगा, फिर कई अलग अलग रेशियो में नंबर देगा, आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो इतना लेंदी प्रोसेस पड़ जाता है कि डेली लाइफ में इसका यूज नहीं कर सकते, इसलिए एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का डेली लाइफ में यूज नहीं किया जाता। लेकिन इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, व्हाट इज द एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, तो आपको लिखना है यहाँ से इस चीज़ को पढ़ के कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लैब के अंदर यूज किया जाता है, और जो इसके अंदर एरर होता है ना, एरर भी अभी बताऊंगा क्या होता है, यानी जो इसके अंदर लाइक इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, ये सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा, और इसका जो एग्जाम्पल वो टंगस्टन वोल्ट गैल्वेनोमीटर है। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, जो हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, चाहे वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, वाट मीटर हो गया, ये सारे के सारे सेकेंड इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, और ये अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। किस चीज़ को मेजर करने के लिए, करंट को, वोल्टेज को, एनर्जी को, इन चीज़ों को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। अब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट भी चार टाइप के इन्होंने दे रखे हैं। पहला है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, मैं आपको ये सीक्वेंस में समझाऊंगा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो ओनली वैल्यू को इंडिकेट कर रहा हो, जैसे करंट मीटर हो गया। प्रैक्टिकली आप अपने घर में भी देख सकते हैं, आपके घर में एनर्जी मीटर लगा होगा, अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपके घर में एनर्जी मीटर तो लगा होगा, जिसे हम बिजली मीटर भी कहते हैं। उस एनर्जी मीटर में ना आपको इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी देखिए मैं प्रैक्टिकली देखने की बता रहा हूँ, आपको इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आपके घर में दिख जाएगा, ये वैल्यू को ओनली इंडिकेट करने का काम करता है। यानी अगर आपके घर में 220 वोल्टेज आ रहा है ना, तो वोल्ट मीटर 220 वोल्टेज को शो करेगा, बस इससे ज़्यादा उसका कोई काम नहीं है।
रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे आपका सीआर हो गया, कई सारे इंस्ट्रूमेंट ये लैब में यूज होते हैं। ज़्यादातर जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होती है वो जैसे कि पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ना उस वेब फॉर्म को जनरेट करती है, उसे प्रिंट करती है, मतलब वो पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उस चीज़ को ड्राइव करती है, तो उसे रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसमें क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक टाइम पे उस वैल्यू को देखते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का जो एग्जांपल है वो है, इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है एडिंग, मतलब जो भी रिजल्टेंस है वो ऐड होके मिल रहा हो, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल है वो एनर्जी मीटर है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि आप अपने घर में डेली लाइफ में देख सकते हो। और इसके जो एग्जाम्पल है वो एम मीटर है, वोल्ट मीटर है, वाट मीटर है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैकेनिकली इंडक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोमैकेनिकली इंडक्टिंग इंस्ट्रूमेंट में आपका जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जिनके अंदर मैकेनिकली सिस्टम आ गया, जिसके अंदर स्प्रिंग आ गया, जिसके अंदर फ्रिक्शन आ गया, और सारे के सारे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैकेनिकली इंडक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। बेसिक है ये, आपको नाम से पता चल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में रखा है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जो जिसके अंदर एक पॉइंटर होता है जो वैल्यू को हमें ओनली शो कर रहा होता है, उसे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट जो वैल्यू को रिकॉर्ड कर रहा हो, जैसे सीआरओ हो गया। इनके एग्जाम्पल आप और भी सर्च कर सकते हो गूगल पर, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, एनर्जी मीटर। ये किसी टाइम पीरियड, देखिए अगर हमें इंटीग्रेटिंग करना हो तो किसी के रिस्पेक्ट में तो करेंगे ना, कि जैसे जीरो से पाई तक या जीरो से टू पाई तक, तो उसी को इसने कहा टाइम पीरियड ऑफ टाइम, कुछ कुछ टाइम के अंदर ही हम इंटीग्रेटिंग करते हैं। यानी जैसे हमारे बिजली बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो वो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, या 1 तारीख से यानी 2 महीने का, 1 महीने का, इस तरीके से आता है, यानी कुछ टाइम पीरियड का आता है। तो वही बता रहे कि टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम कुछ पीरियड तक का ही वो दिखाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्टिंग इंस्ट्रूमेंट की भी बात करते हैं, तो ये भी इसके अंदर कुछ फोर्स यूज करते हैं, डैम्पिंग फोर्स, डिफ्लेक्शन फोर्स, कंट्रोलिंग फोर्स एंड डैम्पिंग फोर्स। दिस फोर्स आर मस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये फोर्स होता है, क्योंकि ये आपको पढ़ना है और ये आपके इन फ्यूचर आप कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें ये कंपल्सरी आते ही आते हैं। डिफ्लेक्शन फोर्स क्या होता है, मैं आपको थोड़ा नीचे डायग्राम में दिखाता हूँ। कंट्रोलिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो तो इन पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। मान लीजिए कि आपका एक पॉइंटर है, ठीक है, ये पॉइंटर अभी जीरो पे है, फॉर कंसीडर हमने किया ऐसा कि ये पॉइंटर अभी जीरो पे है, ठीक है। इस पॉइंटर को मूव करने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसे क्या कहेंगे, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। क्या कहेंगे, इस पॉइंटर को मूव करने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसे क्या कहेंगे, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। वैसे यहाँ पे फोर्स की जगह टॉर्क आएगा, इन्होंने पीडीएफ वालों ने थोड़ा मिस्टेक कर रखा है प्रिंटिंग में, यानी फोर्स की जगह टॉर्क आएगा, क्योंकि जब भी हम रोटेटिंग की बात करते हैं तो हम फोर्स की जगह टॉर्क आता है, दोनों चलता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप टॉर्क लिखिएगा। तो जो जब इस पॉइंटर को रिफ्लेक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए जिस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इस पॉइंट को मूव करने के लिए जिस फोर्स की है, जिस टॉर्क की रिक्वायरमेंट हो उसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहेंगे, ओके, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कंट्रोलिंग, इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क मैं समझा देता हूँ, आगे नहीं दे रखा शायद। हाँ, तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपका ये पॉइंटर है, आप इस पॉइंटर ने मूव तो कर दिया, आपका पहले पॉइंटर यहाँ था, यहाँ से यहाँ पे आ गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण इसने मूव तो कर दिया, लेकिन अभी इसको रोकना भी तो होगा। ऐसा तो नहीं कि आपने बिल्कुल ही थोड़ा सा मैग्नीट्यूड दिया और वो बिल्कुल ही लास्ट में जाके रोके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, इसके अपोजिट में भी एक फोर्स लगना चाहिए जो कंट्रोलिंग फोर्स कहलाएगा। और बेसिकली जब कोई चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए कि आप आपने एक बॉल को ग्राउंड पे फेंका, ठीक है, तो बॉल कुछ दूर जाके रुक जाएगी, तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फ्रिक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर कंट्रोलिंग फोर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। कंट्रोलिंग फोर्स क्या करेगा, यहाँ पर ले जाके इस पॉइंटर को रोक देगी, लेकिन इसके अंदर थोड़ा वाइब्रेशन रहता है, उस वाइब्रेशन को कम करने के लिए हम जीरो नहीं कर सकते हैं, वाइब्रेशन को मिनिमम करने के लिए डैम्पिंग फोर्स का यूज करते हैं। अब इन तीनों को हम बेसिक, अभी आगे देखेंगे कि आखिरकार डिफ्लेक्शन फोर्स का क्या काम होता है जब इंस्ट्रूमेंट को हम बेसिक डील करेंगे तो, ठीक है। डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है जिससे कि हमारा जो पॉइंटर होता है वो डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट होता है, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क होता है जो हमारे डिफ्लेक्शन को रोकता है, और डैम्पिंग टॉर्क होता है जो कि उसके ऑक्सीलेशन को कम करता है।
मैग्नेटिक इफेक्ट का आप लोगों को पता होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है कि एक कॉइल के अंदर से जब भी करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो उसके नियरेस्ट में कोई अगर मैग्नेटिक फील्ड या आयरन कोर आ गया, ठीक है, या मैग्नेट पीस आ गया, तो उसे अट्रैक्ट ही रिपल करेगी। दो ही चीज़ हो सकती है, तो अट्रैक्ट कर लिया तो रिपल कर, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट के, यानी करंट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अट्रैक्ट करेगा रिपल करेगा, ठीक है। ये सब बेसिक है, आपको थोड़ा पता भी होना चाहिए। फोर्स बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड करंट कैरिंग कॉइल, देखिए इसमें भी क्या है, मैंने क्या फोर्स का मतलब कि अट्रैक्ट करे रिपल करेगी, तो जब अट्रैक्ट ही रिपल करेगी तो उनके बीच में फोर्स होगा, पुल या पुश, ये तो सुना ही हो ना, फोर्स में दो चीज़ होती हैं, तो पुल करोगे तो पुश करो, तो यहाँ पे जब करंट इसमें पास होगा तो ये एज अ मैग्नेट एक्ट करेगा, जैसे ये एज अ मैग्नेट एक्ट करेगा तो इसके नियरेस्ट में कोई भी मैग्नेट आएगा ना, तो ये तो उसके साथ अट्रैक्ट कर लेगी, तो रिपल कर लेगा, डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिपल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, ओके। एंड फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कॉइल, अब देखिए क्या होगा, अब इसमें पहले तो हमने परमानेंट मैग्नेट लिया, अब हमने क्या ले लिया, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ले लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं इसे, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल के कारण जनरेट हो रहा है। अब हमने दो करंट, दो फील्ड ले लिए, ठीक है, दो कॉइल ले लिए, अब इन दोनों के अंदर करंट पास कर, देखिए दोनों की करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इसके ऊपर है इसके नीचे है, तो क्या क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, साउथ साउथ, तो यानी डिपेंड करता है कि ये अट्रैक्ट करेंगे रिपल करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को मेरे हिसाब से तो। हाँ, इसमें कंट्रोलिंग फोर्स भी दे रखा है, कंट्रोलिंग फोर्स भी थोड़ा देख लेते हैं। कंट्रोलिंग फोर्स क्या होता है, जो डिफ्लेक्शन को जो डिफ्लेक्शन के अपोजिट से लगता है उसे कंट्रोलिंग फोर्स कहते हैं। बेसिकली कंट्रोलिंग फोर्स में हम स्प्रिंग का यूज करते हैं और भी कई चीज़ों का यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मली स्प्रिंग का ही हमने ज़्यादातर देखा है। आगे देखते हैं स्प्रिंग कंट्रोल, देखिए कंट्रोलिंग फोर्स में स्प्रिंग कंट्रोल का यूज करते हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा जब आप इसके ऊपर आगे अच्छे से वर्क कीजिएगा। तो ये हमारा देखिए, ये जो स्प्रिंग है ये कंट्रोलिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारा जो पॉइंटर वो पूरा फाइनल मतलब जो फिक्स जो फाइनल पर उस पर वो मैक्सिमम उसकी रेटिंग वहाँ तक ना पहुँचे, वो उसे रोक के रखती है, यानी डिफ्लेक्शन फोर्स के अपोजिट में जो फोर्स लगता है उसे कंट्रोलिंग फोर्स कहते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं, डिफ्लेक्शन टॉर्क के अपोजिट में जो टॉर्क लगता है उसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट में जो फोर्स लगता है उसे कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं, ओके। अब आता है डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स क्या होता है, देखिए डैम्पिंग का मतलब क्या है कि जब आपका डिफ्लेक्शन जो आपका जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट होके किसी पॉइंट पे पहुंचेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ 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 मोशंस होंगे उस पॉइंटर के अंदर, कुछ मोशन होंगे, कुछ ऑक्सीलेशन होगा, कुछ वाइब्रेशन वाइब्रेशन होगा, ठीक है, उस वाइब्रेशन को, ठीक है, जो वाइब्रेशन आ रही है ना, ये बहुत ही मतलब होता तो छोटे दर पे, लेकिन हमें वैल्यू को डिटरमाइन करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो स्केल बहुत छोटा होता है, जब आप नॉर्मली प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखोगे ना, तो वहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे स्केल होते हैं, तो मेजर करने में बहुत दिक्कत आती है, डिटरमाइन करने में दिक्कत आती है कि वैल्यू शो क्या करना चाह रहा है, तो वहाँ पर हमें डैम्पिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। डैम्पिंग फोर्स क्या करता है कि जो पॉइंटर के मोशन है ना उसे कम कर देता है, स्लो कर देता है, जो बड़ी तेजी से वाइब्रेट कर रहा होता है या ऑक्सीलेट कर रहा होता है उस चीज़ को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो उसे रिड्यूस करने के तीन तरीके हैं, इन्होंने तीन मेथड यूज कर रखा, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग एंड ईडी करंट डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में भी आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है, आप डायग्राम देख के समझ जाएंगे। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में क्या होता है कि आपके पास एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर एक एक तरीके का आप देख सकते हो कि इसे भी ये एक मटेरियल होता है जो कि जब इसे इस पॉइंटर पे दबाव पड़ता है ना, तो क्या करता है, एयर यहाँ से बाहर निकलता है, तो एक तरीके का ये डैम्पिंग प्रोवाइड करता है, इस तरीके से डैम्पिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। और आपको डायग्राम में भी यही बनाना है, अगर आपके एग्जाम में आता है एयर फ्रिक्शन, तो ये आपका पॉइंटर या आपका स्केलर, ये स्केलर के साथ कनेक्ट होता है, और ये सिलेंडर होता है जिसके अंदर एयर भरा पड़ा होता है, इसके अंदर कुछ फील नहीं करते हैं, तो ये खाली ही होता है, इसलिए इसे एयर फ्रिक्शन कहते हैं। ईडी करंट डैम्पिंग, ईडी करंट डैम्पिंग आपने ट्रांसफार्मर में ईडी करंट के बारे में पढ़ा होगा। ईडी करंट क्या होता है कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में से, यानी किसी अगर हम कहें कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में से, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास एक कोर है, उस कोर में से करंट पास हो रहा है, उस कोर में से करंट पास हो रहा है तो उसके अंदर ईडी करंट बनेगा, उस ईडी करंट से हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसे ईडी करंट डैम्पिंग कहते हैं। तरीके होते हैं अलग अलग, आप जब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल एनर्जी मीटर पढ़ोगे तो आपको ईडी करंट की पूरी वर्किंग प्रिंसिपल सही से समझ आ जाएगी। ये तो बस इंट्रोडक्शन क्लास है आपकी। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे भी इन्होंने ईडी करंट के बारे में दे रखा है।
परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। अब इस जो ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी, बिकॉज इट इज़ न्यू फॉर मी। एंड थैंक यू सो मच।